हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स दे आज दे लैक्चर आप देखांगे लाइन ड्राइंग एलगोरिदम। तो इस तो पहला आप देख चुके हैं कि एक डायरेक्ट मेथड या जो स्लोप इंटरसेप्ट मेथड है वो दे थ्रू आप लाइन दे पॉइंट्स किवें कैलकुलेट करते हैं वो आप देख चुके हैं। सो आज दे लैक्चर आप डिटेल गल करांगे DDA एलगोरिदम की, दैट इज़ डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। सो DDA एलगोरिदम से जाने तो पहले आप थोड़ा जिहा रिव्यू करते हैं डायरेक्ट मेथड नूं। सो डायरैक्ट मैथड या फिर स्लोप इंटरसैप्ट मैथड की है कि आपको एक लाइन दिती होएगी जिदे दो एंड पॉइंट्स आपको गिवन होंगे एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। सो अगर आप जनरल इक्वेशन की गल करिए, लाइन की एक जनरल इक्वेशन होंगी है, हरेक लाइन की एक इक्वेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिथे एम की है स्लोप ऑफ द लाइन एंड बी की है वो वाई इंटरसैप्ट, कि वाई एक्सिस में कितने इंटरसैप्ट कर रहे हैं वो वैल्यू होएगी बी दी। सो एम की है स्लोप ऑफ द लाइन एंड बी इज़ द वाई इंटरसैप्ट। सो इतों आप लाइन के जोड़े पॉइंट्स ने एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, उतों आप स्लोप यानी कि एम तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करा सब तो पहला। सो जो फस्ट स्टैप है वह की अपना एम तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। सो एम यानी कि स्लोप का फॉर्मूला होंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो इतों आप एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो उस तो बाद वो वैल्यू नूं आपां किसी भी एक पॉइंट के थ्रू पुट करके बी की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। सपोज अपने को एग्जाम्पल है जिथे आप एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम जीरो जीरो टू सिक्स एटीन। सो इतने एक्स वन की वैल्यू है जीरो, वाई वन की वैल्यू जीरो है, एक्स टू की वैल्यू है सिक्स एंड वाई टू की वैल्यू है एटीन। सो इतों आप एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सब तो पहला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो इतों एम की वैल्यू आ गई अपने को थ्री, तो उस तो बाद वाई वन तो एक्स वन उस लाइन के इक्वेशन के जो आप पुट करते हैं तो उतों अपने को बी की वैल्यू आ रही है जीरो। सो फस्ट स्टैप अपना यही होंगे कि आप बी तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो इतने बी की वैल्यू आ गई जीरो, एम की वैल्यू आ गई थ्री। सो हूँ उस तो बाद अपने को दो केस होंगे ने, या तो एम की वैल्यू लैस दैन वन होएगी या ग्रेटर दैन वन होएगी। अगर एक्स लैस दैन वन है दैन आप एक्स की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ करते हैं तो अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बट इतने हूँ अपने को ग्रेटर दैन वन है तो आप वाई की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ करा तो एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करा हरेक पॉइंट वास्ते। सो अगर आप गल करिए कि एक अपने को पॉइंट है जीरो जीरो तो लैके सिक्स थ्री तक अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने ने, फस्ट पॉइंट है जीरो जीरो तो नैक्सट पॉइंट है सिक्स थ्री। सो इतें तक एक अपने लाइन ड्रॉ करनी है। सो इतें अगर आप फाइंड आउट करके देखिए कि एम की वैल्यू है जी लैस दैन वन होएगी। सो अगर लैस दैन वन होंगी है तो आप एक्स की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ करते हैं। सो इतें देखो एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स है, तो अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इदा ही अगर एक होर एग्जाम्पल लीए जीरो थ्री तो एट फाइव, तो उत्थे भी एम की वैल्यू लैस दैन वन है, तो अगर लैस दैन वन हो तो आप एक्स की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ करते हैं तो वाई की वैल्यू अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर दूसरे केस की गल करिए फाइव टू तो नाइन टेन तक अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उत्थे देखो एम की वैल्यू की होएगी ग्रेटर दैन वन होएगी। तो उस केस की होएगा आप वाई की वैल्यू टू तो लैके टेन तक वन बाय वन इनक्रीज़ करा, तो एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके एक होर एग्जाम्पल है टू फोर तो फोर टेन तक, इतने भी एम की वैल्यू ग्रेटर दैन वन होएगी। सो आप वाई की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हूँ इस मैथड के थ्रू की है कि आप हरेक वैल्यू वास्ते दूसरी वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस अपने को वैल्यू आई है वनू आप यूज़ नहीं कर रहे। बट अगर इनू आप एनालाइज करिए कि ये चारों एग्जाम्पल्स के हो रहा है कि जो भी एक वैल्यू है तो उस तो नैक्सट वैल्यू है वो एक कॉन्सटेंट डिफरेंस है। जिदा फस्ट एग्जाम्पल देखो एक्स की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ हो रही है तो वाई की वैल्यू पॉइंट फाइव नाल इनक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके सैकेंड एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू वन बाय वन इनक्रीज़ हो रही है तो वाई की वैल्यू पॉइंट टू फाइव इनक्रीज़ हो रही है। तो थर्ड एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव इनक्रीज़ हो रही है तो वाई की वैल्यू वन वन इनक्रीज़ हो रही है। दैन फोर्थ एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू पॉइंट थ्री थ्री इनक्रीज़ हो रही है तो वाई की वैल्यू वन वन इनक्रीज़ हो रही है। सो हुण आपां अगर देखिए कि अगर आप इदा दा एक एलगोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिस आप डिफरेंस ही कैलकुलेट कर लीए कि जो नैक्सट वैल्यू है वह किन्ने डिफरेंस से होएगी,
एक वैल्यू आपां नूं पता है कि 1/1 इंक्रीज़ हो रही है कि दूसरी वैल्यू कोई भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू हो सकती है। सो आपां वो वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनिया ने। सो नेक्स्ट है DDA एल्गोरिदम। द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम इज़ एन इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन मैथड फॉर ए ड्रॉइंग ए लाइन। सो ये की है कि आप स्लोप इंटरसैप्ट मैथड में ही अगे इंक्रीमेंट किया है कि आप वैल्यूज़ में ही अगे यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़े इंक्रीमेंटल वर्जन नाल इंप्रूव्ड वर्जन नाल इनू यूज़ कर रहे हैं। सो सच एन अप्रोच इज़ करैक्टराइज बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एट ईच स्टैप यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्टैप। सो ये की आप जो प्रीवियस वैल्यूज़ ने एक्स ते वाई दियाँ आपां उहदे विच ही कुछ के वैल्यू कुछ के प्रोपोर्शनेट वैल्यू इनक्री एड करांगे ते उहदे नाल की है नैक्सट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एक्स ते वाई दी। सो इहदे लई एलगोरिजम देखो की होएगा। सब तो पहला आपां नूं गिवन होएगा एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। ये दोनों एंड पॉइंट्स ने जिथे आपां लाइन ड्रॉ करनी है। सो सब तो पहला आपां डी एक्स फाइंड आउट करांगे। डी एक्स की है एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरीके नाल डी वाई फाइंड आउट करांगे। डी वाई की होएगा वाई टू माइनस वाई वन। दैन उस तो बाद की है जो वैल्यू बड़ी होएगी डी एक्स ते डी वाई चो जिहड़ी भी वैल्यू बिगर होएगी आपां उहनूं लेंथ दे विच पुट करांगे। देखो इहदे लई कंडीशन लगा रहे हैं आपां इफ डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन डी वाई दैन लेंथ इज इक्वल टू डी एक्स अदरवाइज लेंथ इज इक्वल टू डी वाई। सो डी एक्स ते डी वाई चो जिहड़ी वैल्यू बिगर होएगी वो लेंथ दे विच आ जाएगी। दैन लेंथ नूं आपां दोनों नाल डिवाइड करांगे डी एक्स एंड डी वाई नाल। सो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी अपॉन लेंथ एंड डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन लेंथ। सो इतने चाहे दोबारा कैलकुलेट करो या डायरैक्ट डी एक्स लिखो दोनों इक्वल ने। दैन उस तो बाद जदों हुण अपने कोल लेंथ आ रही है तो आप लूप लगावेंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो टू लेंथ। यानी कि लेंथ की एक तरह के अपने स्टैप्स हो गए कि किन्नी वारी आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करनिया ने। सो हर बार पहला आप एक्स ते वाई की वैल्यू नूं प्लॉट करांगे दैन डी एक्स ते डी वाई नूं ऐड करांगे। डी एक्स ते डी वाई की ने वो प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़ ने जो नैक्सट पॉइंट दे विच आपां नूं ऐड करनिया ने। सो हर बार एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। यानी कि एक्स दे विच प्रोपोर्शनेट एक्स की वैल्यू ऐड करी जावेंगे तो वाई दे विच जो वाई की प्रोपोर्शनेट वैल्यू है वो ऐड करी जावेंगे। इसी तरीके नाल इह की है सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। सो अगर आप एक एग्जाम्पल लईए अपने एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम थ्री टू टू फोर सैवन। थ्री टू की है एक्स वन वाई वन एंड फोर सैवन की है एक्स टू वाई टू। सो इतने सब तो पहला की करना आपने डी एक्स कैलकुलेट करना है। डी एक्स की हो गया फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। इसी तरीके नाल डी वाई कैलकुलेट करांगे सैवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। सो इतने की है अपने कोल डी एक्स इज़ लैस दैन डी वाई है नहीं। सो इस करके डी वाई आ जाएगा लेंथ दे विच। सो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी फाइव। सो ये आप पहला करके हटे हैं कि जो वैल्यू वड्डी है डी एक्स ते डी वाई चो वो किस आ जाएगी लेंथ दे विच। सो इतने लेंथ की वैल्यू कितनी होगी फाइव। दैन अपने डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन लेंथ करना है तो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन लेंथ। यानी कि लेंथ नूं दोनों नाल डिवाइड कर देना है। सो डी एक्स की हुण वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू पॉइंट टू एंड डी वाई की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन। सो ये वैल्यू ध्यान च रखनी है डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया पॉइंट टू एंड डी वाई कितना हो गया वन। ये वो वैल्यू है या वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है जो आपने हर एक पॉइंट वास्ते ऐड करनी है। सो हर बार आप डी एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू हर बार ही पॉइंट टू ऐड करी जाना है तो वाई की वैल्यू हर बार वन ऐड करी जाना है। सो देखो इतने की है अपने कोल सब तो पहला एक्स वन वाई वन की सी अपने कोल थ्री एंड टू। एक्स टू वाई टू की सी फोर एंड सैवन। तो लेंथ अपने कोल कितनी आ गई फाइव। दैन डी एक्स कि आ गया पॉइंट टू एंड डी वाई कि आ गया वन। सो इतने आई की है आई इज़ इटरेशन। आइटरेशन यानी कि अपना लूप किन्ने तक चलेगा जीरो तो लेके फाइव तक। सो देखो जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तक अपना लूप चल रहा है। सो एक्स तो वाई की वैल्यू आप कितों स्टार्ट कर रहे हैं थ्री एंड टू तो। सो फस्ट यानी कि आई की वैल्यू जो जीरो है तो एक्स तो वाई की वैल्यू कितनी है थ्री एंड टू। दैन जो आई की वैल्यू वन हो गई तो एक्स के पॉइंट टू ऐड करांगे यानी कि डी एक्स ऐड करांगे तो वाई दे विच वन ऐड करांगे यानी कि डी वाई ऐड करांगे। सो इसी तरीके जदों आई की वैल्यू वन है तो एक्स तो वाई की वैल्यूज़ कितनी हो गई थ्री पॉइंट टू एंड थ्री। जदों आई की वैल्यू टू है अगेन हुण आपां थ्री पॉइंट टू दे विच पॉइंट टू होर ऐड करांगे तो कितनी वैल्यू हो गई थ्री पॉइंट फोर। दैन वाई की थ्री के जो वन ऐड किया तो वह वैल्यू होगी फोर।
दैन आई की वैल्यू जो 3 है तो अगेन 0.2 ऐड करके 3.6 हो गया है, तो 4 के 1 ऐड करके 5 हो गया। इसी तरीके ये लूप चलता रहेगा कितने तक, 5 तक। सो आई की वैल्यू आप 0 तो लैके 5 तक, यानी कि लेंथ लेंथ जो सी वो एक तरह के नंबर ऑफ स्टैप्स ने। सो इस तरीके लूप चलता रहेगा, तो हर वारी एक्स की वैल्यू 0.2 इंक्रीज़ होती रहेगी, तो वाई की वैल्यू 1/1 इंक्रीज़ होती रहेगी। हम दूसरी साइड पर एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली गल है कि रिजल्ट अपना जो भी आ रहे हैं एक्चुअल पॉइंट वो नहीं होंगे जो प्लॉट किए जाएंगे, जो प्लॉट होंगे वो इंटीजर वैल्यू ही प्लॉट की जाएगी। सो इस करके आप वैल्यूज़ नू राउंड ऑफ कर लेंगे। सो प्लॉट केड़े हो रहे हैं एक्चुअल पॉइंट 3 2 3 3 3 4 4 5 4 6 एंड 4 7। सो ये एक्चुअल पॉइंट्स प्लॉट होंगे DDA के थ्रू। सो इतने अपने को एडवांटेज की हो रही है कि आपू हर बार हर एक इटरेशन के पॉइंट पूरे का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो जो DX से DY आया है हर बार वही वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि अपन पता है कि ये हमेशा कॉन्सटेंट वैल्यू नाल ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर दे विच की है कि आप वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेने हैं जो वैल्यू वो इंक्रीज़ हो कर रहे हैं। सो एक्स ते वाई दे विच हर बार आप DX ते DY इंक्रीज़ करते रहने। सो इहदी लिमिटेशन देखो की है DDA दी, द राउंडिंग ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरथमेटिक आर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। स्टिल आप है राउंड ऑफ करना पै रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे अपने, देखो जो रिजल्ट आ रहे थे 3.2 3.4 3.6 इन्हों आप राउंड ऑफ कर रहे हैं 3 3 4 4 के। सो इस करके वो राउंड ऑफ करने टाइम लग रहा है। सो ये की है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। राउंड ऑफ एरर कैन कोज द कैलकुलेशन पिक्सल पोजिशन टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द ट्रू लाइन पाथ फॉर लोंग लाइन सैगमेंट। सो कई बार की होंगे अगर इतने देखो आप पॉइंट जी वैल्यू आ रही है, अगर 0.33 आ रही हो जदों काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो उत्थे जी वैल्यू है वो एट दी एंड ते जाके थोड़ी वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू तो अलग होएगी। सो इस करके भी यदि डिसएडवांटेज है कि कई बार जी लाइन है वो अपने एक्चुअल पॉइंट्स तो थोड़ी जी हट जाती है, तो आपू थोड़ी जी एरर लाइन शो होंगी उ। सो आई होप ये लैक्चर थोड़ा ईजीली समझ आ गया होएगा। DDA एलगोरिदम काफ़ी इंपोर्टेंट एलगोरिदम है, सो इनू चंगी तरह प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू।